गुड मॉर्निंग। सो ये है जी सुहूर टाइम। हम लोग खाएंगे जी कल वाली बिरयानी, और ये हमने बनाई है क्रीम चाट, और ये है जी ओट मील। सो या इट्स लाइक 3:30, अभी तो बहुत सारा टाइम रहता है अजान होने में। सो हमने सोचा बस अभी खा लेते हैं, और आज हम लोगों को बाहर जाना है। يكذبوا فيها الصادق liars get good at their craft. वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हमें जाना है बाहर। आई कहते हैं रात में जस्ट वन साइड पर ऐसे करके सो गई, और वो यहाँ पर ना नेक के यहाँ पर इतना ज़्यादा पेन है, और 3 to 4 days पहले भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही हुआ है। सो आई थॉट कि मैं जो है ना वो थोड़ा सा मसाज करा लेती हूँ, और इंशाल्लाह आज हम शायद बाहर इफ्तार करें। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और आई होप कि इंटरेस्टिंग भी। सो सबसे पहले मैं चेंज करती हूँ। आई थिंक आज के लिए जो है ना वो ये वाला आउटफिट परफेक्ट है, ठीक है। मौसम भी इसका है, और मतलब परफेक्ट है ये वाला। आज तो हम ये वाला वेयर करते हैं। सो व्हाट्स इन माय बैग, डॉक्टर एडिशन। इसके अंदर जाएंगी ये सारी चीज़ें, मेरा आईपैड जहाँ पर मुझे टाइम मिलेगा मैं स्टडी करूँगी, और ये है जी सनब्लॉक, क्योंकि डेफिनेटली हम बाहर जा रहे हैं, सनब्लॉक तो चाहिए। ये है मेरी तस्बीह, काउंटर, और यह है जी सेल फोन होल्डर, इसे मैं व्लॉग बनाऊंगी। यह है जी जायनमाज इन दुपट्टा, जहाँ पर मुझे टाइम मिला वहाँ पर मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ूंगी। अगर इसमें स्पेस ना हुई तो मैं जहन के बैग में रखवाऊंगी। सो दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द डे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसका मौसम भी है और ये बहुत अच्छा भी लगता है, डिसेंट सा। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलमोस्ट रेडी, और जैन भी रेडी है, बस मुझे शूज चेंज करना है। मैं भी रेडी हूँ आपके साथ ही आज। आंटी, आई मिस यू बेबी, आई मिस यू, गुड बाय मानो, गुड बाय, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच, 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 I'll miss you so much. I'll miss you so much. I'll miss you. Okay. Handshake नहीं करना, handshake कर लो। No? Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. आज तो ज़्यादा धूप नहीं है, तो मेरा बेचारा जार जो है वो ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। मैंने इसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्ट सनलाइट की तरफ की है, सो लेट्स सी। और ये देखिए इतना प्यारा बाहर ग्रीन ग्रीन है सारा। तो अभी हम लोग जो है वो टैक्सी का वेट कर रहे हैं, जैसे हमारी टैक्सी आती है फिर हम फौरन चले जाते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी देर हो गई है। जैन जो है वो भागकर बाहर गए हैं, क्योंकि वो अपनी वॉच भूल आए हैं। थैंक यू सो मच मुझे लाने के लिए। हाँ 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 भाई, तो शी इज़ माई असिस्टेंट, यहाँ पर जो है वो मेरा मसाज होगा। ये तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर नमाज पढ़ लेती हूँ। जैन का कार्ड जो है वो आज फिर स्टक हो गया, आई थिंक इनके पास बैलेंस नहीं है। फाइनली तो यहाँ से आज मैंने लेना है अपना पासपोर्ट। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, अभी हम लोग जाएंगे थर्ड फ्लोर पर, उनको कुछ पेमेंट करेंगे, और ये सेकंड फ्लोर है, और उसके बाद आई होप कि मुझे मेरा पासपोर्ट मिल जाए। फाइनली गॉट माय पासपोर्ट। वाओ, बिल्कुल फ्री एंट्री थी, लेकिन वो लोग हमारी जो हेल्थ किट है वो चेक कर रहे थे। लुक एट दिस यार, जब हम लोग पहले यहाँ पर आए थे तो इन्होंने बोटिंग वगैरह जो है सारी बंद की हुई थी, राइट है नहीं?
अब इन्होंने ओपन कर दिया तो हम लोग जो है ना वो बोटिंग करेंगे। अभी हमारे पास जो है वो 2.5 आवर्स हैं और हम लोग जगह फाइंड कर रहे हैं कि यार कोई प्लेस मिल जाए जहाँ पर कोई ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होती हैं जो इन्होंने मैं आपको दिखाऊंगी, तो जहाँ पर कोई नहीं होगा और हम वहाँ पर नमाज पढ़ सकें। मैं आपको एक बहुत क्यूट प्लेस दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर लोग जो है ना वो मज़े से आए हुए हैं और पिकनिक जो है ना वो कर रहे हैं, बड़ी शीट्स वगैरह लेकर आए हुए हैं और पिकनिक के लिए, तो बहुत इंजॉय करें। इतनी प्यारी प्लेस है। आज सैटरडे है तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है ना, क्योंकि वीकेंड पर तो यहाँ पर बहुत रश होता है। वाओ, ये देखिए यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं। हमने मोटर बोट ली है, ये हम लोग बैठ गए यहाँ पर। पहले जो है वो जैन है राइडर, उसके बाद जो है वो फिर मैं जो है इसका होल्ड संभाल लूंगी। वाओ, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और इतने सारे लोग हैं यार, लिटरली ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई ईद हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। और मैं आपको एक और दिखाती हूँ, एक चीज़ दिखाती हूँ। वाओ, ये देखिए, अगर रोज़ा नहीं होता तो मैं इसके ऊपर लाज भी बैठती। आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। Me too। माशाल्लाह, इन फ्लावर्स की इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है यार, ये सारे के सारे ऐसे साइड्स पर लगे हुए हैं। ये देखिए ये वाले, बहुत दूर आ गए हम अभी भी, कहीं और प्लेस ही नहीं मिली यार, तो बस हमने यहाँ पर नमाज पढ़ी है। फीलिंग सो पीसफुल, सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। हमने सेल फोन जो है वो ट्राईपोड के साथ सेट कर लिया है और अब तो बहुत ही मजा आ रहा है। लाइक ये देखिए, ये हैं जितने मज़े मज़े की यहाँ पर चीज़ें इफ्तार के लिए। यार जैसे आपने पहले वाली फेस बनाया हुआ था वैसे बनाए। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर बैठे हैं। ये देखिए, अभी हमें जो है ना वो डेट्स देकर गए हैं, और अल्लाह ने हमें देखे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम लोग अपनी प्लेट्स लेकर खड़े हुए हैं, 2 मिनट्स रहते हैं, और ये देखिए इतनी सारी चीजें हैं माशाल्लाह। इतनी फ्रेश और इतने मजे की डेट्स है ना यार, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। बहुत मजे का खाना था और अभी इन्होंने हमें स्वीट्स दी हैं, ये देखिए। वापस आते हुए हमारा एक पार्सल आया, तो हम लोग लेने आए यहाँ पर पार्सल, एंड वी बोथ आर सो टायर्ड राइट। अभी तो व्लॉग भी एडिट करना है। अस्सलामुअलैकुम मानो। अस्सलामुअलैकुम आंटी मानो। यहाँ पर ही मैं इसको छोड़ कर गई थी और ये यहाँ पर ही बैठी हुई है।
अस्सलाम वालेकुम मानो, आज तो खूब ब्रश किया होगा, आज तो खूब ब्रश किया होगा, आज तो खूब ब्रश किया होगा, हैप्पी हैप्पी मानो। हाँ जी, स्लीपी मानो, स्लीपी मानो। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये हमारा चिकन आया और जैन ने इसको उठाकर फ्रिज में भी रख दिया है। थैंक यू सो मच हनी। तो ये है जी मेरी ग्रीन टी, साथ साथ मैं ग्रीन टी जो है इसको इंजॉय कर रही हूँ और व्लॉग भी एडिट कर रही हूँ। आज की अच्छी बात मैं आपसे करती हूँ, वो है कपल के बारे में। अगर आप अनमैरिड गर्ल हैं तो आप जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करें, या फिर अगर आप एक अनमैरिड बॉय हैं तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको जो है वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर दें, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा नेक और एक बहुत ही काइंड, रिस्पेक्ट करने वाला, लव करने वाला या करने वाली जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जिन लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं ना, उन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा टिप बताती हूँ। वो ये कि बहुत दफ़ा मैंने सुना है कि यार हस्बैंड, हमारी लव मैरिज हुई है और शादी के बाद ना मेरे हस्बैंड चेंज हो गए हैं, या फिर यार मैं, हमारी लव मैरिज हुई थी और शादी के बाद वाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। तो मैं आपको बताती हूँ, वो इस वजह से क्योंकि हम शादी से पहले तो बहुत दुआएं करते हैं, अल्लाह बस हमारे इस पर्सन से शादी हो जाए, कुछ भी, राइट। और शादी के बाद हम लोग दुआ मांगना छोड़ देते हैं। अब आपको वो इंसान मिल चुका है ना, तो आप अल्लाह ताला से और ज़्यादा दुआएं करें कि अल्लाह ताला हम दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश रखिएगा और हमें जो है ना वो इस्तकामत दीजिएगा, ठीक है। मैं और जैन हम लोग डेली रात को सोने से पहले दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह जो आपने हमारे लिए हलाल कर दिया ना, बस हमें उसी से ही हमें सुकून मिले, हमें पीस मिले, और हमारी किसी भी हराम की तरफ जो है ना वो, मतलब कि इंटेंशंस ना हो, मतलब कि आपको जो है ना वो हराम कोई भी चीज़ है ना वो आपको अट्रैक्ट ना करे, जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है बस वही आपके लिए अच्छा हो, राइट। तो शादी के बाद भी हमें इसी तरह से दुआ को कंटिन्यू करना चाहिए कि अल्लाह जो मेरा ये पार्टनर है ना, इसके दिल में, मतलब सबसे पहले तो ये कि अल्लाह मेरे और मेरे हस्बैंड के दिल में सबसे ज़्यादा आप और आपके नबी की मोहब्बत हो, और फिर हम दोनों के लिए एक दूसरे की मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत एक दूसरे के लिए डाल दें, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल दुआ जो कि हर कपल को जो है वो करनी चाहिए। आई होप कि उसके बाद की शिकायत नहीं होंगी। मैं कोई रिलेशनशिप गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे इस बात पर बहुत ईमान है, और ये कि मैं दुआ ज़रूर करती हूँ और जैन को भी कहती हूँ, वो भी मेरे साथ दुआ करते हैं, और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हम लोग जन्नत में जो है ना वो एक साथ जाएं। इस तरह से आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, और जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं अल्लाह ताला आपको जो है वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दे, और आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट किया करें ताकि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करें। मैं जैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और जैन भी मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पार्टनर आपकी इतनी रिस्पेक्ट करे और दूसरा आपकी ना करे। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। डू गुड एंड हैव गुड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिस्पेक्ट नहीं करें, आप कुछ भी नहीं करें और नेक्स्ट पर्सन से आप ये उम्मीद रखें कि भाई वो आपकी रिस्पेक्ट कर लेगा या वो आपकी केयर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डू गुड एंड हैव गुड। मेरे फ्लावर्स जो हैं वो अभी भी इतने फ्रेश हैं और इनको देख के ऐसा लगता है कि स्माइल कर रहे हैं, देखिए स्माइल कर रहे हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग, आई होप इट एडिड सम वैल्यू इन योर लाइफ एंड योर टाइम। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे और जैन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मे अल्लाह प्रोटेक्ट आवर कपल फ्रॉम नज़र, फ्रॉम हसद, फ्रॉम इविल आई, फ्रॉम एवरी बैड। मुझे प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव। बाय।